my YouTube channel. My name is Durga. You are visiting Durga Reaction. मेरे एक सब्सक्राइबर उनका नाम सैयद आदिल, उनके बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं रमजान क्या होता है और मुस्लिम लोग इसे क्यों मनाते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप उससे पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट फॉर चीट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको रमजान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमजान के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इस महीने में मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें और अल्लाह के और करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो लोग अरबी में तो उसे पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान उन्हें समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब कुरान की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने मैं कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं अपनी कोई भी पसंदीदा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पे आप इंफॉर्मेशन फिल करिए और इंशाल्लाह आपको कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपी पहुंच जाएगी आपके एड्रेस पे। जरूरी नहीं है आप मुस्लिम किसी भी धर्म से हो सकते हैं, ये एक यूनिवर्सल बुक है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो आप जरूर कोई पढ़ सकता है, कितना जानिए इस्लाम के बारे में। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि रमजान के महीने में मुस्लिम्स रोजे रखते हैं, बट इस चीज में काफी लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपलीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते, जी हाँ पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। पूरे दिन रोजा रखा जाता है। फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोजा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही होती है तो बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद पूरी रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है, सुबह खा सकते हैं, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, शाम को हम रोजा खोल लेते हैं, पूरी रात कुछ भी खा या पी सकते हैं। तो ये पूरा एक 30 डे का साइकिल होता है। रमजान का महीना कई चीजें सिखाता है, उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। बहुत आसान है कुछ भी खा पी लेना जब कोई देख ना रहा हो। दिन भर में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि कोई आसपास नहीं है और आप कुछ भी खा पी सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम इस वजह से कुछ भी दिन भर खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम जो भी काम कर रहे हैं चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। और यही है एसेंस पूरी लाइफ का, पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, जो कि सच बात है। तो
अच्छे काम करें जिंदगी में, बुरे काम ना करें, यही सिखाता है रमजान हमें। अब क्योंकि पूरे महीने हमें भूख और प्यास के एहसास के बारे में पता लगता है, तो हम बेसहारा भूखे प्यासे लोगों से ज़्यादा एम्पथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज़्यादा हम समझ सकते हैं। इसलिए इस महीने में सारे मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि खूब खाना पीना खिलाएं गरीबों को, बेसहारा लोगों को, या जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी कर सकें। अब वो खाने की फॉर्म में भी करते हैं कि इफ्तारी के टाइम हर जगह कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोस में या इधर उधर इफ्तारी बटे, और वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को पैसे या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है रमज़ान में करना, वो है होता है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपके पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसे का, वो आपको तकसीम करना होता है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसे, खाना, रिसोर्सेज, हर चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके। किसी भी तरह का सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उसमें और ज़्यादा बरकत होती है। हम जितना ज़्यादा और लोगों को देते हैं, अल्लाह हमें उतना ही ज़्यादा देता है। रमज़ान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम करने के लिए उकसाता है, तो शैतान इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना। रमज़ान को माफ़ी का भी महीना माना जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि कयामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज़, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, हर उस चीज़ की बहुत बारीकी से आपको सफाई देनी पड़ेगी, उसका आपको अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा सख्त दिन होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे, और इसलिए इस महीने को माफ़ी का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। तो इसलिए ये महीना और भी ज़्यादा ख़ास है मुस्लिम्स के लिए। रमज़ान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है, जैसे कि आपने वो काम कई बार किया हो। रमज़ान के महीने में दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम या तहज्जुद के टाइम लोग बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है। रमज़ान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, और रमज़ान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे कहते हैं तरावी की नमाज। ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और टारगेट ये होता है कि एक पूरा कुरान एक बार हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है। तो ये काफ़ी लंबी नमाज भी होती है, पर इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की बहुत खूबसूरत बात ये है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हों वो ज़्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है, तो जब नमाज पढ़ी जाती है कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक लाइन में, सब एक साथ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज़्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं
कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है। ओवरऑल रमज़ान एक बहुत ही ज़्यादा पाक महीना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ हो सके, हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली बहुत फेमस चीज़ जिसके बारे में आप सबको पता होगा वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है बकरीद से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमज़ान का ख़त्म हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके ख़त्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये एक दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमज़ान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है, और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं, ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज़ ले ले जाकर, और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लाम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए, या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लाम एक पूरा ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी गलत बात बताई जाती है उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिए। आपको कोई भी क्वेरी है आप किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट करिए, आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा है या नहीं है, आपकी शायद वो क्वेरी सॉल्व कर दे। अगर नहीं हो पाती तो आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप खुद डायरेक्टली कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं, या आप हमारे नबी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो खुद उसके बारे में आप पढ़िए, और आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करिए, क्योंकि हर तरफ बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाई जा रही है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़, बट हम इतने बुरे नहीं हैं। हमें और सिर्फ अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इस दुनिया में फसाद नहीं फैलाना चाहते, नेक तरह से जीना चाहते हैं, नेक तरह से मरना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस महीने इंशाल्लाह मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी, बहुत बेसिक्स बताऊँगी आपको रमज़ान के बारे में या इस्लाम के बारे में। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएँ, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा स्कार्फ या अंडर स्कार्फ पसंद आया हो तो आप इसे मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। द वेबसाइट इज ramshasultan.com। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो आप लोगों को वीडियो देख के समझ आ चुका होगा कि मुस्लिम लोग रमजान क्यों मनाते हैं, क्या होता है रमजान मनाने से। मुझे तो बहुत ही थोड़ी सी नॉलेज थी, लेकिन वीडियो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा नॉलेज आ गई कि क्यों मनाते हैं, क्या होता है मनाने से रमजान। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे बनाऊं। आप लोग जिस पे कहेंगे मैं उसी पे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी।